लगा कर ऊपर से मारते जिससे कि शेपर ने टूटे और मजबूती भी आ जाए। गुरु कुमार से कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, नीचे हाथ सार दे ऊपर मारे। हमारे सत्या बहन जी, हमारे गुजरात से आए हमारे मोटा भाई, उनको भी क्योंकि हमारे साथी रहे हैं। राम सेवक जी जो सचमुच में सेवक हैं और समाज की सेवा करने के लिए जहां भी जरूरत पड़ती है उतनी ताकत से आते हैं। अभी बहन जी उनका भाषण हुआ है, हमारे माकड़ों से जो आए हैं और ऐसे सारे मंच पर बैठे हुए जो समय समय पर इस आंदोलन को गति प्रदान करते रहते हैं, ऐसे सभी महानुभावों का अभिनंदन मैं करता हूँ और आप सबको वंदन करता हूँ। बहन और भाइयों, देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोकसत्ता होती है और जो लोकसत्ता मजबूत होती है उन्हीं की सत्ता होती है। मजबूती के साथ अपने इरादों के प्रति जागरूक होकर के निरंतर काम करने से सफलता मिलती। यहां आकर के और हम सब बाबा साहब के प्रति अपनी आदरांजलि अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं, किंतु काम यही खत्म नहीं हो जाता। ये स्मारक बनकर के तैयार हुआ है तो एक तरह से हमारी श्रद्धा का केंद्र है, प्रेरणा का केंद्र है। पर यहां पर आने के बाद प्रेरणा ना मिले, यहां आने के बाद हमारे कर्तव्य को दायित्व को निर्वाह करने की शक्ति और ऊर्जा नहीं मिले तो फिर ये एक तरह से कर्मकांड हो जाएगा। ओके ओके। और मैं कर्मकांड को उतना ही मानता हूं जितना जरूरी है। और इसलिए हम सब में अंबेडकर है, उस अंबेडकर को जगाना है। अंबेडकर ना होता हम यहाँ क्यों आते? तो अंबेडकर का अंश तो हम में है, थोड़ा वैसे कहा जाए तो हम अंबेडकर के वंश के भी हैं। तो जब उसको चलाना है, उसको बढ़ाना है, उसको ताकत देना है तो फिर पूरी ताकत के साथ। अब ये कोई छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, मैं से कहना नहीं चाहता था पर बोल देता हूँ, क्योंकि तो मेरे तो गुरु रहे, आचार्य रहे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं की एक रचना है। छोटे मन से अभी सोचना चाहिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। क्यों छोटा मन करना चाहिए? यहाँ आने वाले का स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनके आने जाने के लिए जो लोग दूर से चल करके आए हैं उनके रहने की व्यवस्था करना चाहिए। काय के लिए आ रहे हो? अरे भाई ये अच्छा स्थान बनाया है तो इस अच्छा स्थान बनाया है तो उसके लायक बाकी के लोगों को भी, और जहाँ कोई भी हम अच्छा स्थान बनाते हैं तो लोगों को ठहरने की व्यवस्था भी बनाते हैं। समिति नहीं, वो समिति नहीं समझेंगे, वो जो समझेंगे वही समझेंगे। नहीं मैं घुमा घुमा के मार रहा हूँ मैं, और घुमा करके जो महाराज मैंने कहा नीचे हाथ सहार दे ऊपर मारे, चोट टूटने भी नहीं दूंगा और उसको कमजोर भी नहीं होने दूंगा। ये हमारा आंदोलन, ये हमारा काम थोड़ी है कि मैंने कहा ये जब बन गया है तो यहाँ पर वैसा स्थान बनना चाहिए कि लोग आए यहाँ पर रुके ठहरे समझे अध्ययन करें पढ़े। तो यह इस प्रकार का जो केंद्र बना है जिसे अंबेडकर सेंटर बना है तो बाबा साहब को समझने पढ़ने के लिए भारत के संविधान में जो बातें हुई है उनने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उनके जीवन का जो कार्य है उसके लिए है। ये ठीक है, स्मारक का स्वरूप आ गया इसलिए बड़ा स्थान चाहिए, और बड़ा स्थान चाहिए तो इस सारी गतिविधियों को चलाना होगा। ठीक है, केंद्र में एक अच्छा बन गया, शुरुआत बहुत अच्छी है, आगाज बहुत अच्छा है, अंजाम भी तो अच्छा होना चाहिए। इसलिए आगाज शुरुआत जब अच्छी हो गई तो इसमें सब प्रकार की सुविधा युक्त स्थान मिले, उसका विस्तार हो, ये जरूरी है। फिर हम ये कहें कि महात्मा गांधी जी की जो समाधि बन गई है उन गांधी जी की समाधि के समान इसको स्थान मिलना चाहिए। गांधी जी के स्थान गांधी जी जाने, और जो और हम भी माने उसको,
परंतु गांधी जी का स्थान गांधी जी का है और बाबा साहब अंबेडकर का स्थान बाबा साहब अंबेडकर का है, उससे कोई तुलना नहीं हो सकती। बाबा साहब ने अपनी तरफ से काम किया है। तो ऐसा अद्वितीय काम करने वाले लोग जो निरंतर काम करते और सम्मान के साथ गांधी जी ने पूरा जीवन बिताया है, उनके प्रति आदर रहा है, वो सत्ता की धुरी रहे, राजनीति की धुरी रहे। बाबा साहब ने तो इसके विपरीत परिस्थिति में भी काम किया है, विसंगतियों में काम किया है, जो संगत नहीं था उसके उसमें परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए काम किया है। लोगों ने विरोध किया तब काम किया है, चौटाला तालाब में पत्थर खा करके और कालाराम मंदिर में नासिक में और उस सारी बातों को करके किया है। तो उनके संघर्ष उस प्रकार के हुए हैं जो इस सारे देश में समता लाना चाहते थे, और इसलिए हम दोनों आंदोलनों को तुलना नहीं कर सकते। उनकी ग्राह्यता सारे देश भर में थी, इनकी ग्राह्यता को स्थापित करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भी बाबा साहब ने काम किया है, इसलिए हम तुलना नहीं करते। वो गांधी जी थे, महात्मा गांधी है और राष्ट्रपिता हो सकते हैं, राष्ट्रपिता है भी, परंतु कुल मिलाकर के और जो बाबा साहब हैं वो बाबा साहब हैं। बाबा साहब का कोई हिसाब नहीं, उनका कोई जोड़ नहीं, उनका कोई तोड़ नहीं, बाबा साहब बाबा साहब। तो इसलिए महापुरुषों की तुलना नहीं होती। महापुरुषों जो ने काम किया है उन महापुरुषों को और इस प्रकार से उनकी समानता का उसमें तलाश किया जा सकता है, किंतु उनसे जो हमने प्रेरणा प्राप्त की है, बाबा साहब नहीं होते तो हम कहाँ होते, हम इस मंच पर भी नहीं होते, हमें कौन बोलने देता है यहाँ पर आकर। तो बाबा साहब है तो हमारी ये जो स्वतंत्रता की जो मिली है हमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली, वो बाबा साहब ने हमको दी। भारत का संविधान बनाया है, भारत के संविधान में जो प्रीएम्बल लिखा है उसमें भारत के संविधान के प्रीएम्बल में बाबा साहब ने अपने जीवन का सारा जो उन्होंने जिया है उसका पूरा का पूरा निष्कर्ष उसमें दे दिया है। उन्होंने जो जीवन में अनुभव किया वो दे दिया है, दुनिया में क्या होना चाहिए भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया है। और इसलिए बाबा साहब ने जो प्रीएम्बल में उसकी उद्देशिका में लिख करके दिया है वो तो अद्भुत है, वो कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया Having solemnly resolved to constitute India into sovereign, बाद में जोड़ा socialist, secular, democratic republic, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी से भी कमजोर नहीं, किसी बात की तुलना में कम नहीं होना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनेगा तो इस देश का प्रत्येक नागरिक भी प्रभुत्व संपन्न बनेगा, तब तो होगा ना। तो इसलिए ये बाबा साहब का जो संविधान है उसका तो प्रीएम्बल हम सबको ध्यान में रहना चाहिए, वो तो हमारे लिए मूल मंत्र है। ठीक है, हमने बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म की समता के संदेश को दुनिया में विश्व में फैलाने के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ ये बाबा साहब केवल भारत देश के नेता नहीं, कि दलित समाज के नेता हैं, दुष्टों के हैं, पीड़ितों के हैं, महिलाओं के, बच्चों के अधिकारों के लिए हैं, ऐसा नहीं है केवल, वो तो मानवता के और मार्गदर्शक हैं। तो ऐसे मानवता के मार्गदर्शक को सीमित करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारे देश का गौरव और जब भारत का गौरव दुनिया में बढ़ाने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं, तो बाबा साहब के लिए भी भारत का संविधान दिवस बना करके दो दिनों तक जो काम किया है वो अद्भुत था। परंतु काम खत्म यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ से तो शुरुआत हुआ है, और शुरुआत को आगे तक उसको आगे बढ़ाने के लिए जो उपाय करना चाहिए उसमें जो बाबा साहब को समझने वाले लोग हैं, बाबा साहब को जानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के इस सारे आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उस अभियान में शामिल करते हुए उन सबको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि इस देश की जो पहचान है दुनिया में। और आज भी देखते हैं कि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया है वो चीन में, जापान में, तिब्बत में, श्रीलंका में, सारी दुनिया के देशों में, और उसका मान बढ़ा है, वो पहचान है। तो ये जो पहचान है बाबा साहब की, और इसलिए हम देखते हैं कि भगवान गौतम तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं सब जगह हमको दिखेगी, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं दिखेगी। बाबा साहब के बारे में कितना लोग जानते हैं ये एक अलग बात है, जितना जानते हैं उतना जानते हैं, तो इसलिए जितना जानते हैं उतना जानते हैं, पर उससे आगे भी जान करके उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिए जो भी उपाय करना चाहिए वो जरूर करना चाहिए। और इसके लिए और इस अभियान में एक गति आने की आवश्यकता है, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए 150 लोग साथ नहीं आते, 10-5 लोग ही मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आज तो हम इतने बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे सभी प्रदेशों से आने वाले लोग यहाँ पर हैं, कर्नाटक जैसा का, तमिलनाडु जैसा का, अब कर्नाटक में कर्नाटक के लोग यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ के लोग यहाँ नाटक करते हैं, ये क्या बात है? अरे अरे तो तुम समझो ना,
आपको बोलने का पूरा अवसर मिलने वाला है और जो आप बोलना चाहते हैं मेरे मुंह में मत डालिए क्योंकि आप जो बोल सकते हैं वो आप बोल सकते हैं और जो मैं बोल सकता हूं वो मैं बोलूंगा और बोल रहा हूं। अरे कोई समझौता नहीं है इसमें। चलिए ये जो जिस तरह से बातें हो रही है इसमें आधे अधूरे मन से काम नहीं होता। और जैसे मैंने कहा है कि टूटे मन से छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन हार करके मैदान नहीं जीते जाते। हौसला है मन हार करके मैदान नहीं जीते जाते और न ही मैदान जीतने से मन जीते जाते। इसलिए राजनीति की इस उठापटक में राजनीति की इस चहल पहल में जो हो सकता है हो सकता है कि तो हम सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में समता चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में स्वाभिमान चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में भाईचारा चाहते हैं जो कि संविधान के प्रीएम्बल में है उसको ही हम लागू करना चाहते हैं। तो आज का ये प्रसंग हमारे लिए निश्चित रूप से एक चेतावनी भी है, एक अभियान भी है। बुलंद इरादे हैं बुलंद मंजिलों के। हम उस जमाने में भी रहे, हम जेलों में भी रहे और जेलों में अन्याय के विरुद्ध रहे। उस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लिया हमने लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में आंदोलन किए। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचा था मौत के संग सगाई है, जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई। उस आंदोलन को लेकर के भी हमने इसको सफलता की कामयाब प्राप्त की। तो ये जो आंदोलन है जो बाबा साहब का आंदोलन इसको सफल बनाने के लिए इसको साकार सार्थक करने के लिए और निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमने तूफानों से टक्कर ले, पर्वत के दो टुकड़े, बहुत दिनों अन्याय का हमने बहुत संभाला रहे। अरे कोई हिम्मत वाला रहे तो ऐसे सारे हिम्मतवर साथी हमारे यहाँ पर है। बिजली सी तड़फन नस नस में, आज नहीं हम अपने बस में, नए रक्त में नए नौजवान लोग भी यहाँ पर है, नए रक्त में लहर रह रही जीवन ज्वाला रहे। अरे कोई हिम्मत वाला रहे तो ऐसे हिम्मत वाले सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं निश्चित रूप से इस आंदोलन अभियान को सार्थक करने के लिए और इस स्थान को जो बाबा साहब के लिए हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए प्रेरणा का कारण है और इसको एक सम्मानजनक और अच्छा दर्जा मिले, इसकी पहचान अलग से हो सके, दुनिया देश और दुनिया के लोग आकर के यहाँ बाबा साहब को जाने और समझे, इस प्रकार का यह स्थान इसको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। इसके लिए कानून बनना चाहिए और इस स्थान का विस्तार होना चाहिए। अब जहां तक केजरीवाल साहब का मामला है, जो केजरीवाल हैं, केजरी भी हैं और वाल भी हैं, पर दीवाल ना बने और इसलिए इस दीवाल को तोड़ दीजिए और एक अद्भुत काम और मैं सोचता हूँ वो क्षमता में है उनकी, वो चाहेंगे तो कर लेंगे, पर चाहेंगे तो कर लेंगे पर समय रहते करना है, फिर समय चला जाएगा तो फिर कुछ नहीं करना है। पता नहीं आगे का क्या मालूम है, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का दर्द। तो इसलिए वक्त वक्त की बात है और इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इस बात के लिए वो इस काम को करने के लिए उनके अंदर जो क्षमता है, उनके अंदर जो योग्यता है उसका पूरा उपयोग करें और आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से आज जितने भी लोग आए हैं निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा के कारण है। लगातार आना ये बड़ी मुश्किल बात है, चल करके लगातार चले आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं और हर साल जो चल करके आ रहे हैं निश्चित रूप से उनकी श्रद्धा यहाँ पर है, उनकी श्रद्धा निश्चित रूप से फलवती होगी, उसका लाभ जरूर मिलेगा और एक दिन हम इस स्थान को उस रूप में देखना जिस रूप में हम देखना चाहते हैं उस रूप में देखने के लिए हम सफल होंगे। आज के इस अवसर पर आप सबको फिर से अभिनंदन करते हुए बाबा साहब के चरणों में बाबा साहब को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए और मैं आह्वान करना चाहूंगा कि उठो कि अब नई आंधियां चलाओ, उठो अब नई आंधियां चलाओ, उठो अब नई आंधियां चलाओ, उठो कि अब नई आंधियां चलाओ, अरमानों की मचलती तूफान उठाओ, अरमानों की मचलती, अरमानों को बांध सका क्या कोई, प्रतिबंध चिंतन पर कैसा, हृदय में यदि उमंग भरी हो धरती प्रबंधन कैसा, उठो कि अब नई आंधियां चलाओ, अरमानों की मचलती तूफान उठाओ, क्रांति की चिंगारी अब शोले बनेंगे और जो रोकेंगे रास्ता वे नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे। इस विश्वास के साथ संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, निश्चित रूप से बाबा साहब का मिशन पूरा होगा, यही हमारी सबकी भावना है। एक बार जयकारा करेंगे, बोधि सत्य भारत बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, जरा मुट्ठी तान करके अमर है, हाँ है और रहेंगे भी।
थे भी है भी रहेंगे भी तीनों काल में, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, ये सब कालों में रहेंगे। हम नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, और बाबा साहब का नाम तो अमर रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब जो है हमारे लिए निश्चित रूप से ताकत है, ऊर्जा है, पावर स्टेशन है, उस ताकत को और बढ़ाने का काम करें। फिर से आप सबके प्रति और आदर का भाव व्यक्त करते हुए जय भीम जय भारत।